नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आत्मवंदन। तत्वम असी, तत्वमसी में आप सभी को पुनः स्वागत, सुस्वागत। डियर फ्रेंड्स, ये तत्वमसी एक फ्रीक्वेंसी है माय डियर फ्रेंड्स। अब आप समझ गए, चेतना, फ्रीक्वेंसी, डायमेंशंस, इन सब के बारे में बहुत दिन से हम बात करते हुए आ रहे। शुरुआत में किसी भी बात को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। धीरे धीरे हम ये जानकारी लेते हुए, जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक सुंदर सा बात याद रखिएगा, यदि आप इन सब बातों को सुन रहे हो इस धरती पर बैठ के, तो आप समझ लीजिए आप ये सब बातें ऑलरेडी जानते हो, बट वो अपनी हृदय के लेवल से, माइंड से नहीं। आपकी हृदय की स्थिति को जगाने के लिए ये सब बातें दोबारा बोलना पड़ रहा है। एक दूसरे को हम अपने बारे में सत्य याद दिला रहे हैं दोस्तों, इसलिए हम सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर गॉड्स एंड माय डियर क्रिएटर्स, एक सुंदर सा घटनाक्रम, उसमें हम सब सिर्फ साक्षी नहीं, हम सब उसी में स्थित है, उसमें प्रेजेंट है। जो घटना घट रही है उसी में हम सब बैठे हुए। इतनी सुंदर सा बात, यस। इसलिए बार बार बोलती हूं, ये तत्वमसी एक प्रोग्राम या एक सेशन की जैसा मत लीजिएगा। हम सब की अवेकनिंग के लिए धरती पर उतरा के आया हुआ फ्रीक्वेंसी है। फिर शुरू करें हम। डियर फ्रेंड्स, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में हम पिछले एपिसोड्स में जानकारी लिया, उसके बाद कितना परसेंटेज हम अपनी चेतना में से इस भौतिक फॉर्म में, शरीरों में उतारते हैं, उसके बारे में भी हमने जानकारी लिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में यदि हम अच्छे से समझ जाएंगे, तब हमें ये भी पता चलेगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है हम सबकी हर दिन का स्थिति, हर पल हमारा अपना स्थिति कितना इम्पॉर्टेंट है। उस लाइट को, उस फ्रीक्वेंसी को धरती पर उतारने के लिए, ताकि धरती की स्थिति को बदलने के लिए हम कितना इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते। जब राम राज्य के बारे में पितामह से पूछा गया, पितामह ने ये बोला, एनलाइटेंड मास्टर्स के द्वारा जो राज्य चलेगा, राज्य की पालन करने वाले एनलाइटेंड मास्टर्स हो, यानी आत्मज्ञानी हो, तब वो राज्य राम राज्य बनेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इन तीनों बातों को मिलाइए आप, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को और हम सब की चेतना की जो परसेंटेज इस धरती पर फिजिकल फॉर्म्स में उतर के आई, और राम राज्य को,
इन तीनों को मिलाने से असली बात, रहस्य की दरवाजा खुलते हुए बहुत सारे बातों की क्लैरिटी आपको यहां मिलते हुए अंदर से आपको एक एहसास होगा दोस्तों, धरती पर जितना मानव जाति है उसमें से कितना परसेंटेज किस चीज को होल्ड किया उन्होंने, वो ही इस ग्रह की स्थिति बनेगी। इस धरती पर यदि हिंसा को पकड़ के रखने वाला ज्यादा परसेंटेज हो तब ये ग्रह की स्थिति हिंसा पूर्वक होगी। सिर्फ इसी ग्रह का ही नहीं, किसी भी ग्रह का स्थिति उस ग्रह में रहने वाले किस स्थिति में रहते हैं उसी पे निर्भर होती है। यदि ऑलरेडी वहां हिंसा पूर्वक स्थिति बनी हुई हो, अहिंसा फील करने वाले उतरने वाले अहिंसा में रहने वाला धीरे धीरे जागृत हो जाए, 1 से 10, 10 से 100, 1000, 1,000,000,000 यहां परसेंटेज जितना बढ़ता जाएगा उतना ये जो हिंसा है अहिंसा में उतरेगा। लेकिन जो मानव जाति थी वो ऑलरेडी इनकी डीएनए, ऑलरेडी इनका 12 स्ट्रैंड्स वाला डीएनए काट के कम करके उनकी जो परमात्मा तत्व के कनेक्शन मानिए, द कनेक्शन विद द सोर्स एनर्जी, यानी उनकी दिव्य तत्व की जो कनेक्शन को काट के इनको गुलामी बना के असत्य की भ्रम को सत्य दिखाते हुए इनको यहीं पे बांध के रख दिया गया। और ये कनेक्शन जिन जिन चीजों से मिल सकता है उन चीजों से दूर रखा गया है, उनको आसपास में आने से भी मानव जाति को डर लगे ऐसा चीजों को क्रिएट कर दिया गया है, ताकि ये मानव जाति कभी भी अपनी रीअवेकनिंग की, जागृति की रास्ता ना पकड़े, वो यहीं पर पड़े रहे बंदिश। इसलिए क्या किया गया है, इनको जगाने के लिए, इनको मदद करने के लिए इनके अंदर एक नया जाति को उतारा गया है। ये जितना भी आज हम बातें कर रहे हैं अभी जो प्रेजेंट यहां पर हो रहा है कुछ सालों से, इसकी बारे में हम अभी बातें कर रहे हैं। तो एक उन्नत स्तर की जाति को उतार के इनके द्वारा इसी प्रजा में ही इनको बिठाकर इनकी जागृत अवस्था के द्वारा ये जो बंदिश गुलामी में बंधा हुआ मानव जाति को भी उठाने का प्लानिंग आयोजन किया गया है। उसी की वजह से लाइट वर्कर्स को दोबारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के द्वारा धरती पर उतारे गए हैं। दोस्तों पहले जब धरती को बनाया था उस समय भौतिक शरीरों को सन, मून, पानी, इन सब चीजों को और धरती की फिजिकल फॉर्म को बनाया, तरह तरह की चीजों को कैसा बनाया है ये सारे जानकारी हम इतिहास के बारे में बातें करते हुए आ रहे हैं हम हर एक एपिसोड में। वहां पर जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की जब बात किया है तो उसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को हम यहां पर अभी प्रेजेंट मूवमेंट के साथ जोड़ के हमारा
उद्देश्य को जगा रहे हैं दोस्तों, हम उस बात को समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी से हमें समझना होगा इस धरती पर हमारा रहना कितना इम्पोर्टेंट। रहते हुए हम अपनी स्थिति को बना के रखना कितना इम्पोर्टेंट। हमारा हर पल की हमारा स्थिति ही ग्रह की स्थिति को बना रही है, शासन कर रही है। इसलिए इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में रहते हुए हो सकता है चारों ओर की ड्यूअलिटी आपके ऊपर भी असर पड़ रहा होगा, आपकी ग्रुप में दूसरा पर्सन के ऊपर भी बार बार प्रभाव कर रही होगी। इस बात को समझते हुए, खुद को जज ना करते हुए, दूसरे को जज ना करते हुए, खुद को कंप्लेंट ना करते हुए, दूसरे को कंप्लेंट ना करते हुए, अननेसेसरी चीजों में इंटरफियर ना करते हुए, अपने आप को जितना आप साधना करके जगाते जाएंगे उतना आप जल्दी और बातों को समझ जाओगे। जब आप अपने आप को जितना परसेंटेज समझ जाओगे उतनी परसेंटेज आप दूसरे हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस यानी आपके साथ इस PSSM में जुड़ के काम कर रहे उन मास्टर्स को भी आप समझ जाओगे दोस्तों। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आपको अपनी साधना बढ़ानी होगी। बहुत सारे दोस्तों का ये आदत हो गया, कोई आके हमें ध्यान करवाए, कोई आके ध्यान कक्षा करवाए, कोई आके ये वर्कशॉप दे दे, ये दे दे, हम इंतजार करते रहते। खुद की साधना कितना कर रहे हैं आप? साधना करनी है दोस्तों, साधना करने से ही इन सब बातों का समझने का नेत्र खुलेगा आपका। खुद से जब आप थोड़ा बहुत समझोगे तो उसके नेक्स्ट लेवल की कोई भी बोल रहे तो तब आप समझ जाओगे, अदरवाइज अपने आप से कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो ऐसा मेरे जैसे लोग हजारों में आके बोलने से आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी जीवन शैली बदलते हुए साधना के लिए समय निकाल के जो पितामह ब्रह्मर्षि पत्रिजि सिंपल सूत्रास को बोल के गए, लेकिन उसके पीछे ही पूरा ब्रह्म रहस्य छुपा हुआ है। इसलिए वो नो कंप्लेंट, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस का बात बोला है, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। यस माय डियर फ्रेंड्स, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में जानने के बाद हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात भी जान लिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बार बार याद करना बहुत जरूरी है। हाँ, एक बार बात कर लिया होगी या निकल गए, हम नेक्स्ट भागते जाएंगे, भागना नहीं कहीं पर पे। एक बार में एक बात नहीं समझ में आ रही है तो आप इसको बार बार सुन लीजिए, एक बार, दो बार, दस बार सुनना है। जितना सुनेंगे उतना चेतना आपका विस्तार होगा। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बाद हम जो दूसरी बात किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है परसेंटेज। एक चेतना हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस भौतिक शरीरों में उतरा है, ये हम पहले जानकारी लिया। अभी पिछले एपिसोड में वो पूरा का पूरा नहीं उतरेंगे और नहीं उतर भी नहीं सकते हैं, इसलिए उसमें से कुछ परसेंटेज को उतारा गया है, राइट? उसके बाद हम ये भी बात किया है, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में होकर भी वो इंडिविजुअली भी अपना जर्नी कर रहे हैं। इसमें क्या राज छुपा हुआ है?
अटेंशन, राइट। तो एक यारो नीचे जा रही है, एक यारो ऊपर आ रही है, निश्चित रूप से 100% आप अपने आप को यहीं पर रखिएगा, तब आज बहुत बड़ा दरवाजा खुलेगा, राइट। हम लोग ध्यान करते हुए क्या बातें कर रहे हैं 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 में आकर, मैं अपनी पूर्ण आत्मा के साथ पूर्ण रूप से जुड़ गई हूं। ये शब्द हम हजारों बार सुन लिया, इसका मतलब क्या है? जो फिजिकल बॉडी में जिन जिन नाम से हम लोग पुकारा जा रहा है, दीप्ति, अंजलि, आनंद, जो भी, हम अपने आप को क्या कह रहे हैं? मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ एक हो गई हूं। बोलने से, भाव से, इंटेंशन से एनर्जी फ्लो होगी, फिर हमारा पूर्णात्मा की कनेक्शन हमारे साथ हो रही है। यानी हम इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं? मैं यहां पर भी हूं, मैं वहां पर भी हूं। मेरा हायर सेल्फ यानी ऊपर लेवल पर, हायर उन्नत लेवल पर बैठा हुआ मेरा सेल्फ, उसके साथ मैं कनेक्टेड हूं। इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं, मैं यहां पर भी हूं, मैं यहां पर भी हूं। अब मैंने अपने आप दूसरा हिस्सा को भी पहचान लिया, इसलिए उसके साथ मैं जुड़ गई हूं। यहां तक बात क्लियर? ये हमारा लोअर सेल्फ भौतिक शरीर में बैठा हुआ, और हायर सेल्फ भौतिक शरीर की बाहर उन्नत लेवल पर बैठा हुआ। उसके बाद सुपर सेल्फ के बारे में हमने बात किया, यानी मेरा पूर्णात्मा का भी तो पूर्णात्मा की, राइट। लोअर सेल्फ, हायर सेल्फ यानी मेरा पूर्णात्मा, पूर्णात्मा का पूर्णात्मा, और उनकी चैन सिस्टम, विश्वात्मा, ब्रह्मात्मा, जैसा हम बातें करते हैं, राइट। मतलब ये यारो ऊपर की ओर जा रही है। एग्जाम्पल बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। आपके सामने जो दिख रही है, यानी मान के चलो इनका नाम दीप्ति, दीप्ति बोल रही है मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़ गई हूँ, उसके बाद सुपर सेल्फ के साथ जुड़ गई हूँ, उसके साथ विश्वात्मा, ब्रह्मात्मा। तो ये सारे कनेक्शंस करते 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 हमारा पूरा परमात्मा की स्थिति तक ये कनेक्शन हो रही है। ये सब एक ही रास्ता में है, ऊपर की ओर जाते हुए यारो। मैं बहुत इजी भाषा में आप तक पहुंचाने की प्रयास कर रही हूं। ये वाला यारो समझ में आ गया, राइट। अब इधर आ जाइए, ऊपर से नीचे की उतरने वाला यारो। अब इसके बारे में बताने से पहले मैं वो वाला पॉइंट आपको दोबारा याद दिला दूंगी, पिछले एपिसोड में कुछ परसेंटेज की चेतना भौतिक शरीर में उतरी है, पूरा का पूरा चेतना भौतिक शरीर में नहीं उतर सकती, कुछ परसेंटेज उतरी है। और वो रिमेनिंग चेतना वो क्या कर रही है? उसमें से कुछ परसेंटेज कहीं और गई होगी। जैसा धरती पर भौतिक शरीर में पांचवा तल की डायमेंशन में जब अर्थ की एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उस एक्सपेरिमेंट में भाग लेने के लिए 12th डी की ग्रिड की अंदर 5th डी की फॉर्म में रहने की जरूरत के अनुसार थोड़ा सा चेतना को जैसा उतारा गया है, उसकी और रिमेनिंग बहुत सारे चेतना ऊपर है, उसमें से वो और भी कहीं जरूरत होगा, और भी दूसरी प्लेनेट में,
उसमें थोड़ा उतारा होगा। बहुत सुंदर सी बात है, इस बात को समझ लीजिए आज आप, राइट? आर्कटूरस में कुछ परसेंटेज उतारा होगा, सिरियस में कुछ परसेंटेज उतारा होगा, नागलोक में कुछ परसेंटेज उतारा होगा, जहां पर जरूरत है या जहां पर अनुभव करने का इच्छा है उसके अनुसार अपनी अपनी परसेंटेज वो उतार सकती है। लेकिन इतनी जगह उतारने के लिए उनके पास उतनी चेतना विस्तार रूप होना चाहिए, वो भी हर लेवल की होती है आत्मा। जितना विस्तार रूप होगी वो आत्मा, उतनी सारे जगह पर वो अपना मल्टी डायमेंशनल लेवल पर उतार सकती है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब ऐसा उतारते हुए कहीं जगह पर हम स्थित है, आपके सामने जो बात कर रही है इसमें जो परसेंटेज की चेतना उतरी है, इसी चेतना का ही कुछ परसेंटेज बहुत सारे जगह पर भी होगा, वो एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड है। ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हुए भी फिर इस बात को समझ लीजिए, हमने क्या बात किया, एक मूल चेतना, ये मूल चेतना यानी स्पिरिट से बहुत सारे सोल्स एक्सपीरियंस करने के लिए बाहर निकल के आया, यानी परमात्मा अपने आप को अनुभव करने के लिए बहुत सारे भाग में स्प्लिट हुए, वो सारे सोल्स बाहर निकल के अपनी अपनी रास्ता में आगे बढ़ते हुए अनुभव करते हुए अपनी वास्तविकता को क्रिएट करते हुए जा रहे थे। अब वो उनको जब कॉल आया फिफ्थ डायमेंशनल फॉर्म में, अर्थ की एक्सपेरिमेंट चल रहा, किस किस को भाग लेना है, इन सब ने रेस्पॉन्ड करके यस हमें भाग लेना है, क्या किया इन्होंने, इसमें से कुछ परसेंटेज उतारा गया था धरती पर। दोस्तों ये वाली बात, ये सुंदर सी चाबी को आप यदि समझ जाएंगे तो आप ये भी बात समझ जाएंगे कि जहां पर हमारा हायर सेल्फ यानी आत्मस्थिति है, वहां पर आपकी मेरा सभी की आत्मा एक ही जगह से आया हुआ है, एक ही रास्ता से सब फॉर्म्स को उतारा गया है, हम सब एक ही है दोस्तों। यस, इस परसेंटेज को आप समझते जाएंगे बहुत सारे बातें बहुत क्लियर हो जाएगा। ये उन्नत तल की चेतना, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस, कोई सिक्स्थ वाला भी है थोड़ा परसेंटेज को उतारा गया है, सेवेंथ वाला भी है, एट्थ भी है, नाइन भी है, टेन भी है, ऐसा लेके 40 तक है दोस्तों। यस, इसमें से और कलेक्टिव इंडिविजुअली, जहां पर इंडिविजुअली काम करने की जरूरत है, इंडिविजुअली भी उतारा, कलेक्टिव की जरूरत है, इन दोनों के ऊपर और क्लैरिटी मिल जाएगा आपको, और विस्तार रूप से उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। धीरे धीरे हम समझते जाएंगे, बातें करते हुए जाएंगे। अब इन बातों को समझते हुए अब ये हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस 12वीं तल में कैसा, 12वीं तल का ग्रिड में पेंसिंग के बारे में हम जब बात किया है, वो पेंसिंग कौन सा है, 12वीं डायमेंशन की ऊर्जा से बनी हुई ग्रिड है। अब इस ग्रिड के अंदर 6th से लेके 40 डायमेंशन के बीच में जितना भी उन्नत तल की चेतनाएं वो सब उतरे हैं,
क्या उन सबको चैलेंजिंग नहीं है? यस माय डियर फ्रेंड्स, चैलेंजिंग है। जितना लोअर स्थिति में उतरेंगे उतना उनको चैलेंजिंग लगेगा। ये बात जानना जरूरी है, तब आप कितना धरती पर काम करने के लिए उतर के आया हुआ ये महोन्नत आत्माएं अंदर ही अंदर कितना इनर फाइट, कभी ये फ्रीक्वेंसी मिल जाती, कभी ये फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, लेकिन पब्लिक में, सोसाइटी में कितना रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनकी बिलीव सिस्टम्स, उनकी ओपिनियन की अकॉर्डिंगली रहना यहाँ पड़ रहा है, तो कितना इनर फाइटिंग चल रहा होगा दोस्तों। इसलिए गलती से भी आप दूसरे को जज ना करो, आप नहीं समझ पा रहे हो उनकी भीतर क्या हो रहा है। अपने आप को भी जज ना करो, आप ये भी नहीं समझ पा रहे हो आपकी भीतर क्या हो रहा है। यही रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा साधना करते हुए अपने आप को पहचान लो, फिर ये दुख भरी कहानी से मुक्ति पाकर परमानंद में हर पल जिंदगी जी सकते हो दोस्तों। ये चैलेंजिंग, चैलेंज कैसा हो रहा है, इस बात पे थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। यदि वो देखिए चारों ओर की जो ग्रिड है वो 12वीं तल की ग्रिड है, यदि उसके अंदर जो चेतना उतरी है वो 8वां तल की चेतना आई हुई हो, तब उस चेतना को 12वीं के अंदर रहने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, वो कंफर्टेबल रहेगी, क्योंकि वो 12वीं का है ग्रिड, लेकिन उसके अंदर जो आई है 8वीं 8th डायमेंशनल फील्ड से उतरी हुई चेतना आई है, तो ये बहुत सुंदर सा प्ले गेम खेल सकती है, यानी अच्छा से उस एक्सपेरिमेंट में कंफर्टेबली पार्टिसिपेट कर सकती है। लेकिन यदि वो ही चेतना 25th डायमेंशन से आया हो, लेकिन यहां पर जो ग्रिड है वो है 12th डायमेंशनल ग्रिड है, फिर अब चैलेंज नहीं होगा। 25th डायमेंशनल यानी हाई फ्रीक्वेंसी चेतना 12वीं में आके इतना गैप, इतना डिफरेंस में आके रहना है, तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा दोस्तों। सेफली उन सब चेतनाओं को यहां पर रखने के लिए 12th डायमेंशनल ग्रिड के अंदर उन सब चेतनाओं को, वो 6th का भी हो, 8th का भी हो, 12th का भी हो, 15th का भी हो, 20 का भी हो, 25th का भी हो, 30th का भी हो, सभी को कंफर्टेबल रखने के लिए कुछ तो करना होगा, क्योंकि 6th से लेके 12वीं तक दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी कंफर्टेबल, लेकिन उससे जैसा 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 डायमेंशन बढ़ता जा रहे उनको 12th डायमेंशनल ग्रिड के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा। इतना इजी ग्रेसफुल्ली उनका मूवमेंट, उनकी पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगा, फिर वो सैंडविच बनेंगे, उनको सफोकेशन होगा नीचे उतर कर। इसीलिए उनका कंफर्टेबल पोजीशन के लिए इन्होंने कुछ जोन्स बनाने के लिए प्लान किया है दोस्तों, ताकि अलग अलग जोन्स को इन्होंने क्रिएट किया है। उस जोन्स को ऐसा रखा गया है, यस ये 20th डायमेंशन की जोन, ये 25th डायमेंशनल जोन, ये 15th डायमेंशनल जोन, ये 18th डायमेंशनल जोन, ताकि हायर डायमेंशन से आया हुआ आत्मा
सीधा सीधा 12th डायमेंशनल ग्रिड में जो कंफर्टेबल नहीं है वो उस जोन में बैठेगी जो जोन उसकी मैच कर रही है। उस जोन के द्वारा वो फिर अपनी एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेशन लेता रहेगा। उसके लिए उन्होंने कुछ जोन्स को क्रिएट किया है। तो हम इस जोन्स के बारे में अगले एपिसोड में और क्लैरिटी के साथ और विस्तार रूप से हम जानेंगे, ताकि उस जोन्स के द्वारा जोन्स भी और फिजिकल फॉर्म्स भी, हम फिजिकल फॉर्म्स का इंडिविजुअल फिजिकल फॉर्म्स, जैसा आप अपने आप को देखो और मुझे देखो, हम दोनों को इंडिविजुअल फिजिकल फॉर्म्स बोला जा रहा है ना, ये जोन्स में भी इंडिविजुअल भी है कलेक्टिव भी है। ये इंडिविजुअल और कलेक्टिव रहते हुए चेतनाओं को कलेक्टिवली भी, चेतनाओं को इंडिविजुअली भी उतार कर उस पार्टिसिपेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत सारे प्लानिंग्स किया गया था, राइट? तो यस माय डियर फ्रेंड्स, आप सुखासन में बैठिए, चश्मा हटा दीजिए और अपने आप को बोल दीजिए कि मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ एक होकर तत्त्वम् असि। तत्त्वमसि के फ्रीक्वेंसी के साथ पूर्ण रूप से जुड़ के बैठी हूँ, बैठा हूँ। मैं इस सामूहिक चेतना के साथ एक हूँ। My dear friends, my dear gods, my dear creators, अभी आप अपने आप को नहीं पहचानते हो, इसलिए आप दूसरे को भी नहीं पहचान पा रहे हो, इस जीवन को भी नहीं समझ पा रहे हो दोस्तों, और इस जीवन की यात्रा में हर परिस्थिति को भी नहीं समझ पा रहे हो। इस
इन सब चीजों को समझने के लिए ज्ञान के प्रकाश की जरूरत है आपको। वो ज्ञान का प्रकाश ही अज्ञान के अंधेरा को मिटा के इस रहस्य की बहुत बड़ा दरवाजा खोलते जाएंगे। उसके लिए ध्यान, सामूहिक ध्यान, सामूहिक जागृति, उससे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उसी से ग्रह की स्थिति बदलेगा। हम सब एक साथ जागृत होते जाएंगे, उन्नत तल में अपने आप को पाएंगे। जितना चेतना आपका विस्तार होता जाएगा, उतना आपके डायमेंशनल फील्ड, जो रहने का स्थिति 3 से 4, 4 से 5, उतना उन्नत स्थिति में आप शिफ्ट होते जाएंगे। जितना उन्नत स्थिति में शिफ्ट होते जाएंगे आप, लोअर डायमेंशंस का असर आपके ऊपर कम होता जाएगा, हायर डायमेंशंस के असर बढ़ता जाएगा। अपने भौतिक शरीर को पूर्ण रूप से शांत करें, ढीला होते हुए अपने शरीर को पैर के तलों से लेके सिर तक महसूस करें। लोअर डायमेंशनल फील्ड्स में द्वैत, ड्यूएलिटी ज्यादा है दोस्तों, मेरा और तेरा की लड़ाई। भौतिक लेवल की जीवन, शरीर लेवल पर रहते हुए शरीर के साथ जितना भी संबंध, रिलेशंस बनी हुई है, उसी में उलझते रहना, उसी में खो जाना, एक दूसरे की जजमेंट्स, कंप्लेंट्स, लड़ाई, हिंसा, कंपैरिजन, जलसी, गुस्सा, हैट्रिड, ईर्ष्या, ये सब लोअर फ्रीक्वेंसी है। जब तक आप लोअर में रहेंगे, इन सब की असर आपके ऊपर आता ही रहेगा। अपने आप को बचाना चाहते हो, अपने आप को पहचानना चाहते हो, इनके असर से ऊपर उठ जाओ। साधना से ही संभव, तब आप हायर स्थिति पर कनेक्ट होते जाएंगे, तब आप उन्नत स्थिति का प्रेम, करुणा, एकता, सुरक्षा भाव, कोऑपरेशन, एक दूसरे के सपोर्ट, एक दूसरे के लिए खड़े होना,
हम सब एक ही है। इस स्थिति में रहना शुरू करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अवेयरनेस इसीलिए जरूरत है। हर पल क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए सीखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। हम सब अब एक ग्रुप कॉन्शियसनेस के रूप में प्रेजेंट है। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन करते हुए परम गुरु मंडल दिव्य सामूहिक चेतना का प्रतिबिंब शंभाला को कोटि कोटि नमन करते हुए पूरा कॉस्मोस का ध्यान रखने वाले कॉस्मिक गवर्नमेंट, उस दिव्य धर्म देवता को कोटि कोटि नमन करते हुए सत्यलोक से तपोलोक से महालोक से स्वर्णलोक से भूवरलोक से भूलोक से जो भी महोन्नत आत्माएं इस युग संधि पर इस धरती की प्रगति मार्ग में भाग ले रहे हैं, उन सभी को कोटि कोटि नमन करते हुए उस दिव्य चेतना को आह्वान करती हूं इस सामूहिक में। माय डियर फ्रेंड्स, शांति से अपनी हर एक सांस को देख लीजिएगा। माय डियर गॉड्स, आपके हर एक सांस महत्वपूर्ण है। दिव्य चेतना की प्रकाश हम सबके सामूहिक को घेर लिया है। हम सब एक दूसरे के हाथ पकड़कर गोलाकार में बहुत बड़ा सुंदर सा पिरामिड के अंदर सर्कल्स में बैठे हुए हैं। इसी स्थिति में एक एक सांस को गौर से देख लीजिएगा दोस्तों।
किसी भी सोच विचार का पीछा ना करें। फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगा, सामूहिक से हटते जाएंगे। निश्चिंत होकर, निर्भय होकर हरेक सांस के साथ अंतर्मुख होते जाइएगा। अंतर्मुख होते जाइएगा। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट में स्थित बहुत सारे लाइट बीइंग्स, हमारे दोस्त, एनलाइटेंड मास्टर्स, वो सब एक सामूहिक में रहते हुए, यानी ग्रुप कॉन्शियसनेस की ऊर्जा को सिल्वर कलर के प्रकाश के रूप में हम सबके सामूहिक में उस पिरामिड के अंदर उतारते जा रहे हैं। हम सबके ब्रह्मरंध्र खुला हुआ है, ब्रह्मरंध्र के द्वारा सिल्वर कलर की दिव्य प्रकाश को भीतर पहुंचाते जा रहे हैं। हरे सांस के साथ जुड़ते हुए आपकी भीतर उतरने वाला सिल्वर कलर की ऊर्जा की प्रकाश पूरा सिर, चेहरा, गर्दन, हाथ एक एक भाग में नीचे की ओर फैलते हुए साथ साथ सातों शरीरों में फैलते हुए हरेक कण में फैलते हुए महसूस करते जाइएगा। जहां तक आप समझ पा रहे हैं उसी समझ के साथ खुशी खुशी आगे बढ़िएगा। किस
किसी भी बात का चिंता ना करो दोस्तों। सेलिब्रेशन के समय पर चिंता ना करो। अपनी फैमिली, सोल फैमिली के साथ आप जुड़ गए। यात्रा में यहां तक पहुंच कर अपने असली रास्ता को आपने पकड़ लिया है। खुशी खुशी आगे बढ़िएगा। शांति से हर एक सांस के साथ जुड़ते जाइएगा। अपने हृदय स्थान पर स्थिर होते हुए सिल्वर कलर के दिव्य प्रकाश की व्याप्ति आपके संपूर्ण अस्तित्व में होते हुए देखिएगा। चेस्ट मसल्स, पेट, अंदर हर एक अंग, जिन कणों से वो अंग बने हुए, उन सब तक सिल्वर कलर की ऊर्जा पहुंचते हुए ग्रुप कॉन्शियसनेस की जागृति। मैं अकेली नहीं हूं, सामूहिक मेरा पहचान है। मैं मतलब ग्रुप कॉन्शियसनेस, मैं मतलब सामूहिक चेतना हूं, कणस्थाई में जागृति। इंडिविजुअल लेवल पर अकेला महसूस करते हुए जितने जन्म से आप अपने आप से लड़ते हुए तरह तरह के अनुभवों की पीड़ा को अपनी कणों में बिठाया, जिनकी वजह से आपके शरीर की स्वस्थता पूर्ण नहीं हो पा रहा था, मन की अशांति भरी हुई थी, बुद्धि विकसित नहीं हो रही थी, आत्मा की प्रगति नहीं हो रही थी, वो सारे ब्लॉक्स, पीड़ा, दर्द, दुख से भरा हुआ एनर्जी पैटर्न्स, जन्म जन्मों का पिघलते हुए भीतर की लेयर से बाहर उबर के आते हुए सिल्वर कलर की इस दिव्य प्रकाश में घलते जा रहे हैं। उन सारे पैटर्न्स को ये सिल्वर कलर की दिव्य प्रकाश
शांति, परमानंद तत्व से भरा हुआ ब्लिसफुल ग्रुप कॉन्शियसनेस की एनर्जी में बदलते जा रही है। कण कण में सिल्वर कलर की एनर्जी की प्रकाश पहुंचते जा रही है। आपकी छाती के अंदर फिजिकल हार्ट, दिल, लंग्स, सारे हड्डियां, मसल्स, सब कुछ सिल्वर कलर के इस प्रकाश से भर गई है। पेट में स्थित सारे अंग, लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक, पेट, पैंक्रियास, स्प्लीन, सारे ग्लैंड्स, किडनीज, गॉल ब्लैडर, बड़ी आंतड़ी, छोटी, बिग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरा पेट में हर एक अंग, एक एक कण सिल्वर कलर की अद्भुत दिव्य प्रकाश से भरते हुए बहुत सारे टॉक सिंस, एनर्जी पैटर्न्स, ग्रे कलर की गोलाकार की ओवल शेप्स की ब्लॉक्स पेट में, इंटेस्टाइन्स में, अंगों में स्थित नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई अकेलापन, विक्टिम कॉन्शियसनेस, इमोशनल ब्लॉकेज से बनी हुई पूरा ऊर्जा जड़ के साथ पिघल के बाहर आ रही है। दोस्तों, उनकी जड़ इतनी मजबूत हो गई है, जन्म जन्मों की इस आत्मा की यात्रा में आप एक प्लेयर थे, इस खेल को खेलने के लिए आए हुए थे, साक्षी बन के इस खेल में हिस्सा लेने की जगह पर इस खेल को अपना मानने की वजह से जो दर्द हुआ, पीड़ा, मान अपमान की, मरण जन्म की, सारे ब्लॉक्स, अज्ञानता के अंधकार आपकी स्प्लीन की भीतर की लेयर्स में कितना पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप इस
जीवन को भी अपना नहीं पा रहे थे, जिनकी वजह से आप जीवन को पनिशमेंट मान के बैठे हुए थे, स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, वो सब पिघल पिघल कर बाहर आ रहे हैं दोस्तों। इस वक्त आपके शरीर के अंदर के हर एक अंग खुला पड़ा हुआ है, खोल के रख दिया गया है। जैसा खली खिलता है, फूल जैसा दिखता है, हर एक लेयर गहराई से गहराई तक खुला पड़ा हुआ है सफाई के लिए। अपने आप को छोड़कर इधर उधर मत भागिएगा। अवेयरनेस के साथ आपकी भीतर क्या स्थिति है, कितना सुंदर प्रोसेस हो रही है, यदि देख सकते हो तो उसी के साथ जुड़े रहिएगा। देख नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता ना करते हुए पूरा भरोसा के साथ शांति से हर एक सांस को अवेयरनेस में लेते हुए बैठिएगा। पेट के नीचे लोअर एब्डोमिन में जितना भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंग सिल्वर कलर की प्रकाश पहुंचकर क्लीनिंग हो रही है। हर तरह की ऊर्जा में ट्रांसफॉर्मेशन। मैं कभी भी अकेला नहीं था, आज भी नहीं हूं, कभी भी नहीं रहूंगा। मेरा पहचान ही सामूहिक है। इसकी जागृति आपकी भीतर से हो रही है। My dear masters,
माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, पूरा सिल्वर कलर की प्रकाश लोअर एब्डोमिन भर के थाई रीजियन में भर के घुटने पिंडलिया एंकल जॉइंट पैर के तलवे उंगलियां सातों शरीरों में फैला हुआ है। बड़े से बड़ा, छोटा से छोटा, सारे चक्रास में हर तरह की पीड़ा के पैटर्न्स गलते हुए उन्नत स्थिति का चेतना की हर तरह के रास्ता खुलते हुए चारों ओर आपकी चेतना फैलते हुए महसूस करें। आपकी भीतर की सारे अंगों में स्थित जन्म जन्मों का यात्रा की पीड़ा मरण की समय पर जो भी आपके साथ घटनाएं हुआ था उन सबकी दर्द दिव्य स्वेच्छा को पाने के लिए जो लड़ाई हुआ था उसकी ऊर्जा सब कुछ गलते हुए उस जगह पर दिव्य तत्व की जागृति यानी मैं भगवान हूं, आत्मा हूं, आत्म ज्योति का प्रकाश हूं मैं, ऊपर से नीचे तक सारे शरीरों में सारे चक्रास में आरा में सिल्वर कलर की दिव्य प्रकाश ही प्रकाश भरी हुई
शांति से अवेयरनेस के साथ अपने हर एक सांस के साथ जुड़कर अंतर्मुख रहिएगा। यदि सांस से नहीं दिख रहा हो, धीरे धीरे सांस से शांत होते जा रहे हो, शून्यता में मिलते जा रहे हो, उसी स्थिति में बने रहिएगा। आपके भीतर के हरेक अंग सिल्वर कलर की प्रकाश की पेटल्स वाले फूल की तरह खिला हुआ है। भीतर की लेयर्स की टॉक्सिन्स, अननेसेसरी एनर्जी पैटर्न्स की क्लीनिंग उस जगह पर दिव्य प्रकाश की रिप्लेसमेंट, इसको देख पा रहे हो तो इसी के साथ जुड़े रहिएगा। अपने आप को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। इस प्रोसेस के दौरान जो भी अनुभव आपके भीतर हो रहा हो उसको स्वीकार करिएगा। सिर के अंदर या रीढ़ की हड्डी में या माथे पर फोरहेड ताड़े की जगह पर कहीं पर भी कोई भी खिंचावट सा हाई वाइब्रेशन चुनचुनापन या दर्द जैसा महसूस हो रहा हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। एक सुंदर सा प्रोसेस हो रहा हो तो उसी का अनुभव आपको पता चल रहा है।
धीरे धीरे हर अंगों को क्लीन करके दिव्य प्रकाश की चेतना को कण कण में भर के उनको सहज स्थिति पर लेकर आ रहे हैं। शांति से अपनी भीतर ही रहते हुए जो हो रहा है पूर्ण विश्वास के साथ उसको स्वीकार करते जाइएगा। जो प्रकाश आपके कण कण में एकता की जागृति कर रही है, ग्रुप कॉन्शियसनेस की जागृति कर रही है, सरेंडरेंसी कोऑपरेशन ईगो को हटाकर दिव्य प्रेम और करुणा को भर रही है। सारे कंडीशंस को हटाकर अपने दिव्य तत्व को पहचानने का प्रकाश को भर रही है। अपने आप में ही ब्लिस फीलिंग, दिव्य स्वेच्छा की परमानंद स्थिति, कोई डिपेंडेंसी नहीं, कोई भय पीड़ा नहीं, वो सब हटके शांति, सहन, बैलेंस करुणा, अपने आप में ही कंप्लीटनेस, अपने आप में ही एक्सटेसी, आनंद तांडव, आखिरी 5 मिनट
दिव्य स्थिति बनी हुई है दोस्तों। आखिरी 3 मिनट जिनको इसी स्थिति में आराम करना है, इसी स्थिति में ध्यान कंटिन्यू करना है, आप कर सकते हो। जिनको बाहर आना है, याद रखिएगा दोस्तों, ध्यान के बाद ना ही उठेंगे तो अच्छा है। ये प्रोसेस कुछ घंटों तक अभी ये चलता रहेगा, उसकी प्रभाव आपको भौतिक लेवल पर भी पता चलता रहेगा। जितना मौन रहेंगे, शांत रहेंगे, इधर उधर बातों में ना उलझते हुए अकेले रहेंगे, उतना सही रहेगा। उतना ये प्रोसेस पूर्ण रूप से शांति से बैठ जाएगी। आखिरी 2 मिनट जिनको बाहर आना है उनके लिए सिर से लेके पैर की तलवों तक अपने आप को पहचानिए। सिर, गर्दन, बाजू, हाथ, हथेलियां, छाती, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, पीठ, पेट, लोअर एब्डोमिन, पूरा पैर, घुटने, पिंडलियां, पैर की तलवे, उंगलियां, नाखून। आखिरी 1 मिनट पंच तत्वों से बनी हुई इस भौतिक शरीर को पहचानो। पूरा ग्रेटिट्यूड के साथ वापस आ जाओ। जो एकता की भाव की जागृति हुई थी, हो रहा है, उसको फील करें। कॉन्शियस लेवल पर उसको फील करते हुए, मैं अकेला नहीं हूं, मैं एक सामूहिक मोह, ना ही मैं अपने आप को जज करूंगा, ना ही मैं दूसरे को जज करूंगा, नहीं करूंगी। कोई कंप्लेंट नहीं है मुझे अपनी प्रति, दूसरे के प्रति, कभी भी गलती से भी इंटरफियर नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अपने आप को जागृत करते हुए इसी धन्यवाद भाव के साथ हर पल अपने जीवन बिताने के लिए मैं तैयार हूं। शांति, शांति। शांति। धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रख लीजिएगा। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य।
सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिएगा माय डियर क्रिएटर्स। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। पिता महाब्रह्मर्षि पत्री जी को कोटि कोटि नमन करते हुए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट को 40 साल से इस अद्भुत ज्योति को प्रकाशित रखने वाले हरेक मास्टर को कोटि कोटि नमन करते हुए इस सामूहिक में जुड़े हुए हरेक मास्टर को नमन करते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू लव यू ऑल बदली जी।